तुकाराम नॅशनल मॉडेल स्कूल लातूर, विषय हिंदी, कक्षा दूसरी। देखो बच्चों, यहाँ पे मैंने कुछ चित्र दिए हैं। यह चित्र किसके हैं? बिल्कुल सही जवाब, यह चित्र तो चिड़िया के घोंसले के हैं। तो आज हम चिड़िया का घोंसला यह पाठ पढ़ने वाले हैं। जिसमें चिड़िया रहती है वह अपना घोंसला खुद बनाती है। चिड़िया किस में रहती है? चिड़िया तो घोंसले में रहती है। वह अपना यह घोंसला खुद अपने हाथों से बनाती है। एक एक तिनका जोड़कर चिड़िया अपना घोंसला बनाती है। धूप हवा बारिश से अपना परिवार बचाती है। अपने परिवार को वह धूप हवा बारिश ये सभी चीज़ों से बचा के रखती है। चिड़िया हमको क्या सिखलाती है? चिड़िया हमको यह सिखलाती है कि मेहनत से तुम ना घबराना, हमें मेहनत करने से घबराना नहीं चाहिए। छोटे छोटे हाथों से बड़े काम कर जाती है। चिड़िया के हाथ कैसे हैं? छोटे छोटे हैं। चिड़िया दिखने में भी कैसी है? छोटी है, पर यह छोटी चिड़िया बहुत बड़े बड़े काम बड़े आसानी से कर जाती है। जीवन में सफलता पाना हमको सिखलाती है। यह चित्र किसका है? यह चित्र तो चिड़िया के घोंसले का है। चिंकी चिड़िया नाम की एक चिड़िया थी। चिड़िया का नाम क्या था? चिंकी चिड़िया। कुछ दिनों के बाद गर्मी के मौसम के आगे बारिश का मौसम आ गया था। बारिश के मौसम में क्या होता है? बहुत बारिश गिरती है। बारिश के मौसम में चिंकी चिड़िया को सर्दी होती थी। इस बार वो सर्दी से बचना चाहती थी। उसने बचने के लिए क्या किया? उसने एक नया घोंसला बनाना चाहती थी वो, ताकि वह सर्दी से बची रह सके। इसलिए वह नया घोंसला बनाने में जुट गई। जुट गई मतलब क्या? वो नया घोंसला बनाने लगी। घोंसला बनाने के लिए उसने हर जगह से तिनके तिनके इकट्ठा किए। तिनके यानी मतलब क्या? ग्रास। उस तिनके की मदद से उसने एक नया घोंसला बना ही लिया। चिंकी चिड़िया घोंसला बनाने के बाद भी वो एक रात पुराने घोंसले में ही बिताना चाहती थी। इसलिए वो एक रात पुराने घोंसले में ही रुक गई। दूसरे दिन सुबह होने के बाद चिंकी चिड़िया ने बनाए हुए नए घोंसले की तरह वो अपने पंखों की मदद से उड़ गई। जैसे ही वह अपने घोंसले के पास पहुंची, उसने देखा उसका बनाया हुआ नया घोंसला किसी ने तोड़ दिया था। किसने तोड़ा है यह उसको पता था क्या? यह उसको पता नहीं था। जैसे चिंकी ने देखा उसका नया घोंसला किसी ने तोड़ दिया है, यह देखकर वो बहुत उदास हो गई। उदास मतलब क्या? वो बहुत दुखी हो गई, उसको बहुत बुरा लगा। कुछ समय के बाद उसने एक गहरी सांस ली और उसका घर टूटने के दुख को अपने से दूर कर लिया। एक नए जोश के साथ, नए सांस के साथ वो फिर से आगे बढ़ी। उसका घोंसला टूट गया था, फिर भी चिड़िया ने हार नहीं मानी। नए साहस के साथ फिर से उसने अपना नया घोंसला बनाने लग गई। इस बार उसने पहले से जितनी मेहनत की थी उससे भी अधिक मेहनत की और पहले से भी अधिक सुंदर अच्छा घोंसला बनाया। उसका यह घोंसला मन को मोह लेने वाला था। मोह लेने वाला मतलब क्या? मन को आकर्षित करने वाला ऐसा उसने नया घोंसला बनाया था। इस पाठ से हमें क्या सीख मिलती है? इस पाठ से हमें यह सीख मिलती है कि अगर हम एक बार असफल हुए तो हमें निराश नहीं होना चाहिए। हम एक काम एक ही बार करते हैं, अगर सफल हुए तो ठीक, नहीं तो उस काम को छोड़ देते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा करना चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। हमें एक बार हम नहीं कर सके वो काम, तो फिर से हमें वो काम करने की कोशिश करनी चाहिए और पहले से अधिक अच्छा वो काम हमें करना चाहिए।
थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।